सनातन धर्म में माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को माघ या माघी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार 24 फरवरी 2024 को मनाई जाने वाली माघ पूर्णिमा बेहद खास होने वाली है। इस खास अवसर पर स्वयं नारायण और मां लक्ष्मी के पूरे विधि विधान के साथ पूजा और व्रत करने से नी संतान को संतान की प्राप्ति होती है। उनके घर में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण रहता है। इस दिन सभी दैविक नदियों का विशेष महत्व माना जाता है, खासकर गंगा स्नान का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिष आचार्य अर्थ मिश्रा के मुताबिक साल में कुल 12 पूर्णिमा पड़ती हैं, जिसमें माघी पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में रहने के कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। इस दिन किसी भी दान धर्म का काम करने से उससे मिलने वाला फल दोगुना हो जाता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार जिस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है कि रात्रि में अमृत बरसता है और सभी भक्त रात में खीर बनाकर अपने छत पर चांद की रोशनी के नीचे रखते हैं, लेकिन मान्यताओं के अनुसार सिर्फ शरद पूर्णिमा ही नहीं, साल की सभी पूर्णिमा वाली रात्रि में अमृत ही बरसता है, सिर्फ उन पूर्णिमा को छोड़ के जिनमें ग्रहण पड़ता है। देखिए, जो पूर्णिमा है इस दिन चंद्रदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता का जो कारण है वो ये है कि उस दिन वो पूरे होते हैं, संपूर्ण होते हैं, इसलिए उसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। मैं बहुत ही सहज उपाय बताता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 24 तारीख को उदयकालीन तिथि ही पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो रहा है, तो पूरे दिन पूरी रात पूर्णिमा माना जाएगा। तो जो श्रद्धालुगण हैं, जब भी उन्हें टाइम मिले, जो समय उनको मिले, उसमें जहाँ स्नान दान धर्म पुण्य के काम करें। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, जो इंसान प्रायः एक पूर्णिमा में ही करते हैं, खीर जो बाहर रखते हैं, कहते हैं कि इस दिन अमृत बरसता है, इस पूर्णिमा में अमृत बरसता है। तो दरअसल यहाँ पे एक संशोधन है कि पूर्णिमा किसी भी माह की हो, अमृत बरसता ही बरसता है। तो श्रेष्ठ ये होगा कि हम जो शाम को पूजा करते हैं उस दिन भी खीर अवश्य रखें छत पे, और खुद भी लोग कम से कम चंद्रमा को 5 मिनट रात्रि में देखें, तो उससे आंखों की ज्योति अच्छी होगी, तेज होगी, आंखों के रोग दूर होंगे। क्योंकि जब जब चंद्रमा पूर्णिमा में आते हैं वो अमृत बरसाते ही बरसाते हैं, बशर्ते इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक हमेशा जहन में रखें, जब ग्रहण पड़ रहा हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जब पूर्णिमा के चांद को ग्रहण लगा हो उस दिन खीर ना रखें, उस दिन चंद्रमा को ना देखें। उसके अतिरिक्त जितनी भी पूर्णिमा पड़ रही हैं, 5 मिनट चंद्रदेव को देखते हुए उनके मंत्र का, बहुत सरल सा मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते हुए उन्हें 5 मिनट तक कम से कम देखें, और सपरिवार पूर्णिमा की शाम को या रात्रि में 5 से 10 मिनट बाहर पूर्णिमा से हम ताकत अर्जन करें, क्योंकि अमृत हर पूर्णिमा में बरसता है। इसलिए सपरिवार सब लोग, आप लोग पूर्णिमा की रात्रि को टहलें जरूर रात्रि में, क्योंकि हर पूर्णिमा में अमृत बरसता ही बरसता है। ये सिर्फ एक भ्रांति बन गई है या जानकारी का अभाव है कि सिर्फ एक खास पूर्णिमा होगी तो ही अमृत बरसेगा, तो ऐसा नहीं, हर पूर्णिमा में अमृत बरसता है। और आप अगर पूर्णिमा की रात्रि में कुछ देर, आधा घंटा भी अगर बाहर रहते हैं तो निरोगी होने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। देखिए, जो चंद्रदेव हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा विधि की ज़रूरत नहीं है, बहुत सरल देवता हैं, मन के देवता हैं, इसलिए आप पूजा पाठ करने जब भी जाएं, जब भी स्नान करने जाएं, उनको अर्घ दें। बहुत सरल सा उपाय है, अर्घ आप मन से दे रहे हैं। जब आप अर्घ देते हैं तो उन जो मन का स्वामी है वो हर किसी के मन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप अर्घ दें, उनके नाम से पूजा कर लें, पाठ कर लें और उनके मंत्र का जाप कर लें, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार अगर जप लेते हैं तो श्रेष्ठ है, और 9 बार भी जप लेते हैं तो काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा पूर्णिमा के दिन बाहर रहें। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जितनी भी देविक नदियाँ हैं उसमें पहले से अमृत सतत बरस रहा है, इसलिए हम स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उस चंद्रमा को हम धन्यवाद देते हैं जो हमको
स्नान के रूप में जल में अमृत दे रहा है, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं, उनका बल बढ़ाते हैं। और दूसरा उस दिन बस ये है कि जितनी भी तामसिक चीजें हैं उनको दूर रखें, एक व्रत वाला दिन जैसे मान के जो हम एक काम करते हैं वैसे सद्गुणों का आचरण करें और कोई भी तामसिक प्रवृत्ति या काम खान पान ना करें। तामसिक प्रवृत्तियों में विशेषकर मांस भक्षण ना करें, मदिरा पान ना करें, और बहुत उचित होगा कि किसी का मन ना दुखाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मन का स्वामी है। और अगर किसी को दुख हुआ तो वो दुख सीधा चंद्रदेव को भी दुखी करता है, क्योंकि वो मन के स्वामी है। जैसे कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए किसी का मन ना दुखाएं। अगर आप किसी के मन को प्रसन्नता देते हैं उस दिन, तो चंद्रमा देव जो है वो आपको वृद्धि देंगे खुशियों की। तो कम से कम उस दिन जितना से ज्यादा हो सके लोगों के मन को प्रसन्नता दें, हम ऐसा काम करें, और ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि किसी का हम मन दुखा बैठे। पंडित जी कहते हैं कि पुण्य वाले दिन काला कपड़ा पहनना है, बाल या नाखून शेव वगैरह ये सब भी नहीं करना चाहिए, है कहता? देखिए, अब इसको जोड़ा जाता है व्रत से, जो व्रत कर रहे हैं वो ना करें और जो नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जो व्रत कर रहे हैं वही बाल वाल नाखून ये सब ना करें जी। लोकल 18 जबलपुर से भरत तिवारी की रिपोर्ट।